हाय शीन, वहाँ भी बढ़िया व्यू है कि नहीं? बहुत जबरदस्त है भाई, बढ़िया, मजा आ गया। मेरा मन कर रहा है मैं पानी पी लूं, मुझे थर्स्टी फील हो रहा है भाई। देख रहे हो कितना रश है बोटिंग के अंदर, जगह ही नहीं है, ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पे भी। रास्ते में ना मुक्तेश्वर के बहुत ही सुंदर कैफ़े दिखा है आपको, हम अंदर से दिखाते हैं। कैफ़े वाइल्ड फ्लावर बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है और अभी टाइम हो रहा है 5:30। तो पहले अभी हम जाएंगे सनसेट व्यू, फिर हम जाएंगे अपने होटल में चेक इन करेंगे। पहले मैं आपको कैफ़े दिखाता हूँ, आ जाओ। ये चेक करो, यहाँ का व्यू चेक करो, क्या व्यू है। पहुंच गए, बहुत ही लेट हो गए भाई तुम। ये हमारा आज का स्टे है यार, मैं आपको बाहर से व्यू दिखाता हूँ होटल का। देख रहे हो काफ़ी लाइट्स वगैरह लगा रखी है इन्होंने, और ये इनका ब्रेकफास्ट और डिनर एरिया है, और ये नीचे पार्किंग है, यहाँ पर हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो ये होटल है तो वैसे मेन हाईवे पे ही, अच्छा बना हुआ है। मैंने डिले कर लिया है और अभी टाइम हो रहा है 9:30, तो हमने होटल में चेक इन कर लिया था। और ये जो होटल है ना, ये आपका मुक्तेश्वर में है, बाकी मैं आपको रूम टूर भी दूंगा। और यार मेरे को वंशी से यहाँ पर अभी काफ़ी ठंड भी है, देख सकते हैं मैंने 3-3 लेयर पहन रखी है। वरना खाना बहुत ही ज़्यादा स्वाद है, हमने स्नैक्स ऑर्डर की वो भी बहुत टेस्टी थे, और डिनर में सब कुछ ही बहुत स्वाद है। बाकी सब यहाँ पर बैठे हैं, सबका डिनर हो गया है। शादी का माहौल आ गया है, साढ़े फोटोग्राफर शादी। तो कुछ ऐसा था हमारा रूम, तो देखते हैं आगे का प्लान क्या है। सीमेंट भी रेडी हो गई है, सामान अपने अपना बाहर भेज दिया है। ये रिजॉर्ट ही एक तरह से, और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो पूरा प्ले एरिया बना हुआ बच्चों के लिए, झूले वगैरह है। यहाँ पर चल रही है गेम, बैडमिंटन की गेम चल रही है यहाँ पर, इसका मैं आ रही हूँ। हाँ तुम तो सारी गेमों के चैंपियन हो। हाँ चलो, देख सकते हो काफी अच्छा एरिया बना हुआ बच्चों के लिए टाइम पास करने के लिए। ये बच्चों के लिए झूले हैं, टीटी भी है यहाँ पे। आ जा आ जा, पर एक्सबॉक्स भी खेल सकते हो आप, ये कुछ छोटी छोटी गेम्स है, कैरम सके। तो यहाँ पे बच्चे तो अपना फुल एंजॉय कर रहे हैं। एक यहाँ पर बैठा हुआ है नूर, यहाँ पर बैठा हुआ है वंश, जो है वो शीर के साथ बैडमिंटन खेल रहा है। क्या करिए, हो ये देख सकते हो आप, अशीर इससे पूरा पापा से कॉम्पिटिशन ले रही है। ओह अशीर अब इतनी बड़ी हो चुकी है, अपने पापा के साथ खेलना शुरू कर दिया उसने। बोल तो कह रही, बोल। यहाँ पे कितना टेम्परेचर होगा अभी, कुछ आइडिया है? बर्फ बर्फ कब पड़ती है हमें? जनवरी फरवरी पड़ जाती बर्फ। अच्छा
इतना ब्यूटीफुल है। तो अब हम जा रहे ब्रेकफास्ट करने। अब हम रेडी हो चुके हैं, बस हसीन का खाना बन रहा है। मैं व्यू दिखाता हूँ बालकनी से। मैं रेडी हो चुका हूँ और सामान भी हमने लोड कर लिए गाड़ियों में, और अभी टाइम हो रहा है 1, तो यहाँ से अब दिल्ली जाने का ही प्लान है। बाकी देखते हैं, अगर रास्ते में कोई बढ़िया हमें जगह दिखेगी तो वहाँ पर रुकेंगे। बाकी आगे का जैसे भी प्लान होता है हम आपको बताते हैं। बोल नहीं रहे आज। तो गाइस, कैसे आप सभी लोगों, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कौन सा ऐसी चाहिए। फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं, सब रेडी वगैरह हो गए हैं। काफी ठंडा, अभी तक तो धूप भी नहीं निकली, तो चलो आगे निकल के देखते हैं जैसे भी है। तो यार अभी मैप्स पे सीधा रास्ता दिखा रहा था, और हमको पीनी थी चाय, और हमें था कि थोड़ा माउंटेन व्यू पे बैठते हैं आराम से चाय वगैरह पीते, वो हमारा मिस हो गया था। तो हमने लेफ्ट लिया है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, कैफ़े दिखा रहा है और लेक भी दिखा रहा है। चलो देखते हैं। तो हम ये थोड़ा नए रास्ते से जा रहे हैं, अंदर अंदर से लेके जाएगा, ट्रैफिक भी कट जाएगा, फिर यहाँ से मेन हाईवे पे कनेक्ट हो जाएगी रोड। आपको मैं आगे की रोड दिखाता हूँ और व्यू चेक करो। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक लेक भी होगी, देखते हैं। हाँ, यहाँ पर रुके हैं पेट्रोल भरवाने के लिए और टाइम हो गया 4। तो अब हम कहीं पर टंकी फुल कर दो, तो अभी हम कहीं पर रुकेंगे नहीं, सीधा स्ट्रेट निकलेंगे दिल्ली। बाकी बन्नी भाई तो हमारे बिल्कुल पीछे हैं, जम्मी भाई का पता नहीं है। यहाँ पे फास्ट फूड कहाँ है? वो आती है ज़्यादा खाई वाली। नहीं, तूने नूर जितनी डाल ली है ना, तो उसे खाया नहीं जाएगा कुछ भी। मकार टेस्ट है उसका बहुत, है ना? बिना सॉस के वंशी को समझ आ गया टेस्ट। जो हो गया भाई, वो हो गया भाई, उस चेंज करे बनिया जी, देखना टेम्पर चेंज हो रहा है। हो रहा है टाइम 8:05, और अभी हम मुरादाबाद से 10 किलोमीटर पहले हैं। तो अभी हमने यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लिया, और यहाँ से भी दिल्ली हमें दिखा रहा है नेविगेशन पे 3.5 घंटे क्यों। और अभी हम बाकियों का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो हमसे 15-20 मिनट पीछे हो गए थे। और यहाँ की जो रोड है हाईवे बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, गाड़ी चलाने का बहुत मज़ा आ रहा है। खाना खा लिया है और सारे बाहर जा चुके हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं। यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ, और अगर आपने व्लॉग को यहाँ तक देखा है और आपको व्लॉग बढ़िया लगा है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। दोनों मैच में सबसे हाईएस्ट टोटल 10 बाजी नहीं करा भाई पहले मैच।